अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, जो कि हर घर में बनती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाने वाली ये सब्ज़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। सब्ज़ी में मैंने लिए थे 3 से 4 अदद आलू, उनको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएंगी गाजर, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 से 3 अदद गाजर ली थी मैंने। मेथी ली थी मैंने थोड़ी सी, इसको मैंने बारीक काट लिया है। सब्ज़ धनिया जाएगा इसके अंदर ऊपर गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा 2 छोटे साइज़ के शलजम थे, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं। मटर जाएंगे इसके अंदर। टमाटर लिए थे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा प्याज लिए थे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के, उनको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। लहसुन कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच और सब्ज़ मिर्चें। अब मैं आपको पाउडर मसाला जात के बारे में बताती हूँ जो इसके अंदर जाएंगे। साबुत मसाला जात में मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 अदद काली मिर्च साबुत, 2 से 3 अदद इसके अंदर जाएगी दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 अदद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता। तो यहाँ पर मैंने एक देगची ली और देगची के अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल के ऐड कर दिए हैं। ऑयल ऐड करने के बाद मैं अब इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। प्याज और ये इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए, साथ ही मैं इसके अंदर साबुत मसाला जात ऐड कर रही हूँ। जब यहाँ पे प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे फिर मैं इसके अंदर कुटा हुआ जो लहसुन है वो ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर, यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ। फिर यहाँ पर लहसुन खुशबू आने लग गई और प्याज सॉफ्ट हो गया, मैं इसके अंदर यहाँ पे टमाटर ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर जो पाउडर मसाला जात है वो भी ऐड कर दूँगी। नमक, गरम मसाला पाउडर, इसमें मेथी भी मिक्स है गरम मसाले में, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर जब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल भून जाएगा, फिर मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। फिर यहाँ पर प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो मसाला है वो हमारा अच्छे से भून जाए और यकजान हो जाए। मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। तो मसाला हमारा भून चुका है, अब मैं इसके अंदर तमाम जो सब्ज़ियाँ वो ऐड कर दूँगी। आलू ऐड कर दूँगा इसके अंदर, मटर, गाजर बारीक चॉप हुई हुई, शलजम बारीक चॉप हुए हुए, ये मेथी है फ्रेश मेथी है और इसके अलावा इसके अंदर ये अदरक कुटा हुआ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी ताकि जो सब्ज़ियाँ उनकी अच्छे से जो है ना खुशबू आने लग जाए। तो उसके बाद मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। व्यूअर्स, मिक्स सब्ज़ी के अंदर जो मैंने ताज़ी मेथी ऐड की है वो जो है ना बहुत अच्छी खुशबू देती है और इसकी आप भी मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से बनाइएगा मेथी डाल के, तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। ये व्यूअर्स देखें, हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो भून चुकी हैं। व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैंने आधा कप पानी का ऐड किया है ताकि वह जो सब्ज़ी हैं वो गल जाएँ अच्छे से। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखने लगी हूँ। जब पानी खुश्क हो जाएगा और सब्ज़ियाँ गल जाएंगी तो फिर मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला ऐड करके इसको दम पे लगा दूँगी।
जी तो ये हमारी मिक्स सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।